साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों KBS की तरफ से एक मैसेज आ रहा है जो मेरे पे भी आया था, मैं आपको अभी दिखाता हूँ KBS की तरफ से जो मैसेज आया। क्या आपके पास ये मैसेज आया है? और नहीं आया तो एक बार समझ लो इस मैसेज के बारे में क्या है। सबको मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है कि सबको जितने भी KBS की परीक्षा PRD की दी है, सभी को ये मैसेज कन्वे किया गया है, सभी को भेजा गया है ये मैसेज। तो एक बार मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद और चर्चा करेंगे, ठीक साथियों? तो आओ उस मैसेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो साथियों, ये पहले भी मैसेज मेरे को भेज चुके हैं और कल यस्टरडे था, 8:38 पे इन्होंने मैसेज फिर भेजा है। देखो इसमें क्या लिख रहा है, वो सारी चीज़ आपको समझाने की बारे में कुछ, जैसे आपको पहले देख भी लिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं। डियर कैंडिडेट, यू आर इन्फॉर्म दैट वन टाइम फैसिलिटी टू अपडेट या मॉडिफाई क्वालिफिकेशन इन योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ प्राइमरी टीचर इन KBS इज प्रोवाइडेड ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल टिल 7/9/2023। मतलब आपने जो डिटेल भरी है उसको एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं उस डिटेल को, और कब तक कर सकते हैं? टिल 17 सितंबर तक कर सकते हैं। इन केस यू वांट टू अपडेट मॉडिफाई योर क्वालिफिकेशन, प्लीज लॉग इन इमीडिएटली ऑन एप्लीकेशन पोर्टल एंड अपडेट मॉडिफाई योर क्वालिफिकेशन लेटेस्ट कहाँ गया ये? हाँ ठीक है, लेटेस्ट बाई, यही 70 वही तारीख बता रहा है वो चीज़। सिंस इट इज वन टाइम फैसिलिटी, मतलब एक बार इसको आपको सुविधा दी जा रही है, आपको अगर चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए। सो यू शुड अपडेट मॉडिफाई योर क्वालिफिकेशन केयरफुली सेंट वाई NICSI, मतलब उसके द्वारा ये मैसेज सेंड किया गया है। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है, जिनके पास BEd डिग्री थी उनको एलिजिबल नहीं रखा गया है, और जिनके पास BTC या DLED है उनको एलिजिबल किया गया है। तो आपके पास दोनों डिग्रियां हैं तो आपको इस डिग्री को अपडेट करना है, बस सीधा सीधा मतलब है, BTC को भर देना है, बस ये था इसका मतलब, ठीक है? और ये फैसिलिटी आपको दी जा रही है, आपको सबको मैसेज कन्वे किया होगा, ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आगे चलते हैं साथियों। तो मैंने साथियों आपको बता दिया कि ये मैसेज क्या था, ठीक है? और साथियों अब एक चीज़ और ध्यान रखो, जो इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हो, KBS में आपको नौकरी चाहिए, PRT में आपको शिक्षक बनना है, तो आप इंटरव्यू की जो तैयारी है, सिलेक्शन के लिए तैयारी को अब तेज़ कर दो। अब आपके पास समय नहीं है डेमो टीचिंग वगैरह और इंटरव्यू इंट्रैक्शन की क्लासें देखो, और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, जिससे वहाँ पर जाके हेजिटेशन ना हो, ठीक है? हेजिटेशन नहीं होगी तो आपको 10-5 नंबर एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे, ये बात समझ लेना मेरी, और जो मैं शुरुआत से ही आपको कहता चला रहा हूँ। दूसरा एक डाटा मेरे पास साथियों है, जो मैंने एनालिसिस किया है, 5000 स्टूडेंट प्लस हैं उसके हिसाब से, लेकिन ये डाटा उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ में बार बार बताता रहता हूँ, जो कट ऑफ में बताता हूँ उसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। और ये जो डेटा है मेरे पास में, ये BEd प्लस BTC दोनों का है, DLED दोनों का है। तो जो BEd वाले हैं वो तो साथियों बाहर निकल गए, जो BEd वाले साथी हैं PRT से बाहर हो गए। तो जैसे मैं बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सा भी स्टूडेंट थे, और इस आधार पर जो ये डेटा है, इसके आधार पर मैं नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैं ये जो डेटा है इसमें ऐसे समझ लो, मैंने पहले भी बताया था, और ये तुम्हारा जो RTI का रिप्लाई था, जो RTI थी उसका रिप्लाई भी आपको मालूम ही है। RTI पर रिप्लाई के अकॉर्डिंग ऐसे मान लो कि अगर 6,00,000 लोगों ने परीक्षा दी थी, जैसे 6,00,000 लोगों ने, छात्र छात्राओं 6,00,000 ने परीक्षा दी थी, किसकी? PRT की। तो उसमें से अब सिर्फ और सिर्फ 2,50,000 साथी ही बचे हुए हैं जो DLED और BTC हैं, ठीक है? तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पहले जो ये थी 94 थी, मतलब एक सीट पर 94 लोगों का कंपटीशन था, लेकिन प्रेजेंट सिनारियों में ये कंपटीशन घट के हो चुका है, मतलब पहले 97 था, अब हो चुका है 42 के समथिंग में, जो आधे से भी कम है, ठीक है? एक चीज़ समझ लेना, अब आधे से भी कम अब कंपटीशन बचा हुआ है। अब देखो जो अकॉर्डिंग टू डाटा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस डाटा के हिसाब से, इसमें ऐसा लग रहा है कि आपके अगर रो मार्क्स 100 हैं, मतलब कितने हैं, 100 रो मार्क्स हैं अगर आपके जनरल में हो आप, और 100 रो मार्क्स बना आपके आए हुए हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगी। रीज़न क्या है सबसे बड़ा साथियों, 6,414 पोस्ट हैं, और 6,400 पोस्टों को 3 गुना आप सीधा सीधा कर दोगे, अगर अप्रोक्सीमेट भी लूँगा तो लगभग 20,000 के समथिंग बैठता है ये, तो 20,000 लोगों को इसमें कॉल किया जाएगा, तो एक बड़ा आंकड़ा है। इसीलिए इसमें जो रो मार्क्स होंगे साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा आपका। कैसे आएगा साथियों, ये
100 मार्क्स तो रो मार्क्स बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज होकर ये 120 भी हो सकते हैं आपके, 115 भी हो सकते हैं, 117 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो आपकी कट ऑफ वही लमसम 115 117 के समथिंग रहेगी। तो आपको मैंने बार बार बताता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में आपका अच्छा खासा बढ़ने वाला है। और दूसरा, जो रॉन्ग क्वेश्चन जो KBS के द्वारा दिए गए थे, उन क्वेश्चनों को भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दोनों को जोड़ के 15 से 20 मार्क्स आपके किसी किसी शिफ्ट में बढ़ सकते हैं। हर शिफ्ट में तो नहीं बढ़ेंगे, तो बहुत सारी शिफ्ट मैंने बताई भी थी, उस शिफ्ट में बढ़ सकते हैं। तो जो डाटा कहता है वो यही कहता है कि आपका जो स्कोर रहने वाला है, मतलब जो रो मार्क्स का स्कोर अगर 100 है, 105 है, 110 है, तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी बिल्कुल निश्चिंत होकर करनी चाहिए। और कैटेगरी में OBC है, EWS है, या SC है, ST है, PH है, महिला है, उनके लिए तो कैटेगरी में बहुत नीचे जाने वाली है, ठीक है। जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन में, देखो सीधी बात मैंने पहले ही बताया था, जो नॉर्मलाइजेशन होगा साथियों आपका, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको 15 से 20 मार्क्स भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। रीजन क्या है? रीजन सबसे बड़ा है, एक तो रॉन्ग क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं, आयोग ने पहले रॉन्ग आंसर की डाल दी वो वाला, और एक नॉर्मलाइजेशन। जो ये दोनों फैक्टर हैं, जो दोनों ऐड होके, जब ये दोनों फैक्टर ऐड होंगे ना साथियों, तो ये इतने मार्क्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसलिए रो मार्क्स 100 वाले घबराए नहीं, सोचे नहीं, आप तैयारी करो। और नहीं भी होगा तो आपको कोई टेंशन होगी नहीं साथियों, क्योंकि आपकी तैयारी एडअप होती चली जाएगी, आपको रिग्रेस नहीं होगी, प्रोग्रेसिव होगी आप, ठीक है साथियों। तो ये वीडियो रहा, और साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, और साथियों कोई अगर समस्या नहीं हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह आपको समय से मिल सकेंगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।